हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और एक्सेस के इस वीडियो में हम रिसाइज करना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जब टेबल बनाते हैं, जैसे ये टेबल हमने बनाया है, ठीक है, और ये रिसाइज नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक टेबल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक ही टेबल रखते हैं। यहाँ से स्टूडेंट को क्लोज किया और फिर यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। ये हमने कर दिया इसे डिलीट, ओके। तो अभी हम इसको देखते हैं, तो ये रिसाइज नहीं हो रहा है। क्या फॉर्म हमारा रिसाइज हो रहा है? तो फॉर्म पे जाते हैं तो ये देखिए, फॉर्म हमारा रिसाइज हो रहा है। ये देखिए, एक छोटा सा फॉर्म यहाँ हमने खोल लिया, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए यहां से क्रिएट पे चल के टेबल पे जाके और यहां से एक और टेबल बना लेता हूं। यहां पर इसे दे देता हूं स्टूडेंट डी, डिटेल डी, ठीक है, और ये दे दिया हमने। और यहां पर स्टूडेंट का रोल नंबर आ गया, रोल नंबर, ठीक है, और सिर्फ मार्क्स ऐड करवाऊंगा यहाँ पे सब्जेक्ट्स के। तो यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट का नाम, जैसे मान लीजिए हिंदी लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया इंग्लिश लिख दिया, ठीक है, और यहाँ एक सब्जेक्ट तो कंप्यूटर रखता ही हूं मैं, तो यहाँ पे रख लिया कंप्यूटर। तो ये इस तरह से कर दिया हमने और यहाँ पे टोटल आएगा। तो 2016 की खास बात यही है कि आप यहीं पर आप टोटल कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले तो इसे नंबर बना लेता हूं ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो ये नंबर बना दिया, यहां पर भी नंबर रखेंगे और यहां पर भी नंबर रख लेंगे, और ये तो कैलकुलेटेड होगा। तो यहां पे देख सकते हैं कैलकुलेटेड, एक आपको नया डेटा टाइप मिल जाएगा यहाँ पे। यहां पर जाके आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर जाइए और उन उन सब्जेक्ट्स के नाम लिख दीजिए जो जो सब्जेक्ट्स आपको ऐड करने हैं। तो हिंदी पहला था, दूसरा था इंग्लिश, तो स्क्वायर ब्रैकेट में इंग्लिश लिखिए, ठीक है, ये इंग्लिश लिख दिया हमने, और क्लोज कीजिए। फिर यहाँ पे एट लास्ट कंप्यूटर, तो यहाँ पे कंप्यूटर भी लिख दिया हमने, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से ओके प्रेस करना है। अब ये कैलकुलेट करके हमें देगा, ठीक है, यहाँ से व्यू पे क्लिक करिए और यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रोल नंबर ऑटोमेटिकली आएगा, यहाँ पे मार्क्स आएंगे। तो जैसे मान लीजिए हिंदी में 70 मार्क्स 67 आ गए आपके कंप्यूटर इंग्लिश में, और कंप्यूटर में आ गए 67, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल अपने आप आ रहा है। अगर मैं फिर यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ 67, 56, 78, तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल अपने आप आता चला जा रहा है। तो ये फायदा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की, कि हम ये चाहते थे कि हमने जो स्टूडेंट डी ऑब्लिक के नाम से जो टेबल बनाई है, ठीक है, उसमें हम ये चाहते हैं कि ये रिसाइज हो जाए। जैसे इसके लिए जब हम फॉर्म डिजाइन करें, जैसे यहाँ पे जाते हैं हम और यहाँ से फॉर्म डिजाइन करते हैं, अगर यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म तो आ गया यहाँ हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम इसको सेव कर दें, जैसे यहाँ पे कर दिया मैंने स्टूडेंट एफ, ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये रिसाइज नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट एफ पर आता हूं तो ये इस तरीके से है, ठीक है, अगर यहां क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा विंडो जो है एक्सेस का आपका रिसाइज हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका टेबल है ना, जो फॉर्म वाला हिस्सा है, जैसे सेकंड फॉर्म जो हमने बनाया है स्टूडेंट एफ के नाम से, ये रिसाइज नहीं होता। जबकि यहाँ फर्स्ट नाम से जो हमने बनाया है, ये देखिए, ये अलग से एक विंडो खुल करके आ रही है, और इस पर डबल क्लिक कर दूंगा ये इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी ये रिसाइज हो जाएगा। ये चीज इसमें नहीं हो पा रही है। देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूं तो ये ऐसे के ऐसे ही रह जाता है, और यहाँ पर क्लिक करता हूं तो ये रिसाइज वाले फॉर्मेट में है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं डिजाइन व्यू पर और इसको थोड़ा ठीक ठाक बना लेते हैं। ये टाइटल वाइटल डिलीट कर देता हूँ, टाइटल की अभी कोई जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो रिसाइज करने को लेकर के है। तो यहाँ पे जाके अब ये इसको छोटा कर लिया हमने, ओके, और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। आप चाहे तो बैकग्राउंड में कोई कलर भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे जाइए होम पर और बैकग्राउंड पर जो कलर देना चाहते हो यहाँ से दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये कलर भी दे दिया हमने और कंट्रोल ए प्रेस करके, और इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट का कलर ये हम कर लेते हैं रेड, ठीक है। अब जब इस पे जाएंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, लेकिन ये अभी भी रिसाइज नहीं हो रहा है। रिसाइज कैसे होगा? रिसाइज करना है तो थोड़ा वेट करिए। देखिए बस आपको यहाँ से डिजाइन व्यू पे ले लीजिए, इसे ले लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्म दिखाई पड़ रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पर जब आइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रॉपर्टी शीट में ऑटो रिसाइज, ठीक है। ये ऑटो रिसाइज आपको क्या करना है, यस करना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा पॉपअप, ठीक है। तो पॉपअप को भी आप कर दीजिए यस, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ये इस तरीके से, ओके। अब बस यहाँ से इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ से, तो ये देख सकते हैं अब ये रिसाइज भी हो रहा है और इस तरीके के फॉर्मेट पे आ गया है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बनाते समय इन सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है, मुझे पता है, और आपको भी इस बात का इंतजार जरूर रहा होगा कि ये रिसाइज कैसे हो जा रहा है। हमारा तो रिसाइज हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा इसको भी बता दूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।